हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, एडसेंस के ना रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने उसको रिप्लाई भी करा था अपने कमेंट बॉक्स में। सो आई थिंक वो उनको क्लियर नहीं हो पाया था, तो ये बेसिकली मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से, सो इंशाल्लाह आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी ऑब्वियसली कॉमेंट में अगर मैं रिप्लाई करते रहोगे तो वो कॉमेंट बॉक्स पर जाएगा, बट वो ठीक से समझ नहीं आता। बट इस तरह से अगर आप वीडियो देखेंगे ना सामने से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को मेरे, और उसके साथ साथ इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज। इंस्टा की आईडी मैंने यहाँ स्क्रीन पर लगा दी है, तो इंस्टा पे भी जाके मुझे फॉलो कर ले। तो ये देखे जी, मेरे पास है मेरा गूगल एडसेंस पिन। तो ये मुझे रिसीव हो गया था लास्ट मंथ ही, और ये मैंने बहुत संभाल के रख रखा है, और मैं आगे भी इसको बहुत संभाल के रखूंगी। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब का अचीवमेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम दिए ना उसके रिजल्ट आ गए, तो ये कुछ उसी तरह से, मतलब एक्साइटमेंट। शायद मैं कैमरे में उस टाइम पे उतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ऑब्वियसली जब आपके माँ बाप की और आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होता है ना, तो मैं कहती हूँ यार आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है पूरा पूरा। सो मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मेरे साथ है, और उसके साथ साथ मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, तो प्लीज़ आगे भी मुझे सपोर्ट करिएगा। सो फिलहाल उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो वन बाय वन में क्वेश्चंस बताते जाऊंगी और आपको उसके आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो जी, फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने एडसेंस अकाउंट कब बनाया, आपको कैसे पता चला कि एडसेंस कब बना। सो बेसिकली एडसेंस अकाउंट जब 3000 वॉच टाइम 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं ना, और आप फर्स्ट टाइम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके फौरन बाद ही वहां पर YT स्टूडियो में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने अपना एडसेंस अकाउंट बना लेना है। सो मैंने भी एडसेंस अकाउंट उस टाइम पे बना लिया था अपना, बट मेरे एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैंने अपने ये जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर करी थी ना मोनेटाइजेशन वाली, सो उसमें मैंने सब कुछ क्लियरली बताया है, तो आप वो पूरी देखिएगा, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने किसकी हेल्प ली थी, ठीक है। सो बेसिकली वो फिर मैंने क्लोज करा अकाउंट, और फिर मैंने नया अकाउंट बनाया नई आईडी के साथ, क्योंकि एक ही आईडी से आप दो एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने न्यू आईडी बनाई और फिर उससे अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करा। अब अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था उनका कि एडसेंस में पैसे कब आते हैं। सो जैसे आपका मतलब 32 डेज का टाइम पूरा हो जाता है ना, आप वहां से चेक कर सकते हैं, YT स्टूडियो में डेस्कटॉप पे जाके चेक कर लें, आप लैपटॉप पे चेक कर लें, नहीं तो आप अपना जो मोबाइल का है ना उसका डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें, और फिर उसके बाद आप अर्न टैब पे जाएंगे ना, तो आपको मोनेटाइजेशन की साइड में मतलब राइट हैंड साइड पर ना एक बार दिख रहा होगा, उसमें आप सबसे नीचे देखेंगे, सो उसमें आपके एडसेंस की आईडी होगी, प्लस उसमें लिखा होगा कि चेंजेस विद इन 32 डेज, मतलब 32 दिन लगते हैं उसको अपडेट होने में। अगर आपने एडसेंस चेंज करना है तो भी आप 32 दिन के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने रिसेंटली चेंज करा है, और अगर आपने मतलब बना लिया है तो 32 दिन के बाद ही आपके एडसेंस में सारे अपडेट्स होंगे, ठीक है। सो वो 32 डेज का टाइम लगता है, तो शायद आपने नया बनाया होगा, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा वरी हो रही होंगी कि मेरे पैसे क्यों शो नहीं हो रहे, तो आप वेट करें, 32 डेज के बाद आपके पैसे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी उनका क्वेश्चन था कि $10 के बाद क्या होता है। तो बेसिकली दो थ्रेश होल्ड होते हैं, एक होता है $10, एक होता है $100। $10 के बाद ना आपका वेरिफिकेशन होता है, एक तो होता है जी आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है, और एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें आपका गूगल एडसेंस पिन आता है, ठीक है, गूगल एडसेंस पिन आता है। सो बेसिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें वोटर आईडी चाहिए होता है, हमें पैन कार्ड चाहिए होता है, या फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, या फिर हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, आधार कार्ड वैलिड नहीं है, ठीक है। सो आपने ये सारी चारों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है इनमें से कोई भी, तो आप अपडेट करा के अपने पास रखो, जिस एड्रेस पे आपने गूगल एडसेंस पिन मंगवाना है तो वो सारा अपडेट करके रखें, ठीक है। सो मैंने बेसिकली पैन कार्ड दिया था, सो पैन कार्ड का फ्रंट एंड बैक का फोटो मैंने क्लिक करा था, तो मेरा दो बार रिजेक्ट हुआ था, वो नहीं एक्सेप्ट करा था उन्होंने, फिर मैंने थर्ड टाइम उसको प्लेन एक कपड़ा मैंने नीचे बिछाया था, और उसके ऊपर मैंने अपना पैन कार्ड रखा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और फिर मैंने उसको पिक्चर क्लिक करा एकदम क्लियर, और फिर उसको क्रॉप करके फिर अपलोड करा था, तो वो एक्सेप्ट हो गया था। तो आपने भी इसी तरह से करना है, जो बैकग्राउंड हो ना आप बिल्कुल प्लेन रखिएगा, ठीक है। और एड्रेस तो वो आइडेंटिटी तो सॉरी उसी टाइम पे मेरी वेरीफाई हो गई थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर उसके बाद आता है जी, जब मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई थी ना,
तो उसके बाद मेरे पास ईमेल आता है कि अब आपका एड्रेस वेरीफाई होगा, तो हमने गूगल एडसेंस पेन आपको डिलीवर कर दिया है, तो वो मे बी आपको 3-4 वीक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही टाइम यूट्यूब हर चीज़ में देता है, 3 से 4 हफ्ते। ठीक है, बहुत जल्दी भी आ जाता है कुछ कुछ लोगों का, और कुछ कुछ लोगों का वो 3 से 4 हफ्ते ही लेता है, और कुछ कुछ लोगों का 3 से 4 हफ्ते के बाद भी आता है। मेरी एक नोन है, उनका 1 महीने के बाद मतलब दोबारा अप्लाई करा था तब आया था, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी तो वो वहाँ से वापस चला गया था पेन। तो ऐसा भी होता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। ठीक है, सो मैं क्या बता रही थी कि एड्रेस वेरीफाई कैसे होता है। सो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 13th of July को मेरे पास ईमेल आया था, और 16 और 17 July शायद मेरे पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना मेरा गूगल एडसेंस पिन जो था ना वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी और भैया लेकर आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उस टाइम भी शुक्रिया अदा कर रहा था मैंने उनका बहुत ज़्यादा कि वो इतनी बारिश में भी मेरे लिए पिन लेकर आया, उनको पता था इसकी वैल्यू क्या है। सो बेसिकली 1 हफ्ते के अंदर आ गया था वो पिन, 6 डिजिट का होता है, वो आपने गूगल एडसेंस में डालना है और फिर उसके बाद आपका एडसेंस वो एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, फिर आपके डॉलर उसमें एडसेंस में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, सो अभी रिसेंटली मेरा क्या अपडेट आया है एडसेंस में कि मुझे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, वो मैं बैंक में जाके फिल करूंगी, वो जो भी एक्सपीरियंस होगा ना वो भी मैं आप लोगों के साथ एक पर्टिकुलर वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो टेक्निकल बंदे हैं ना वो थोड़ा टेक्निकल समझाते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। हम और आप जैसे मतलब सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हमारे समझ में आ जाता है, तो वो भी मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। ठीक है, तो वो मे बी मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी तो तब मैं फिल करूँगी। तो बेसिकली $100 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो तब आपका जो $100 का जितना भी अमाउंट होगा ना और उससे ऊपर भी अगर हुआ तो वो आपका सारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा YouTube, और फिर वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आप चाहें। ठीक है, सो बस इस तरह से है एडसेंस का, और एडसेंस कैसे बनाना है, किसकी हेल्प लेनी है, वो सब कुछ मैंने अपने लास्ट मोनेटाइजेशन वाले वीडियो में शेयर करा है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला है। ठीक है, मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच, जिसने मतलब मुझे इतना प्यार दिया यार उस वीडियो में, इतने सारे कॉमेंट्स आए, इतनी सारी मुबारकबाद आई, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, सो होप फॉर द बेस्ट कि आप सबका भी चैनल इसी ईयर में मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, सो चलिए जी, बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी Q&A वीडियो होने वाली है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, सो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। बाय जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल।